फ्रेंड्स, माय नेम इज नरगिस गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिगो नोटेशन का एग्जांपल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी ओमेगा नोटेशन वन एग्जांपल। एग्जांपल में गिवन है हमें एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, जी ऑफ एन इक्वल्स टू 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 द पावर एन। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये बिगो ओमेगा नोटेशन में ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। लेट सपोज सी इक्वल्स टू टू, कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने क्या ले ली यहाँ पर, टू। नाउ सबसे पहली चीज हमें रिक्वायरमेंट है एन की, हमें पता है एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या गिवन है, हमें पता है सी डॉट जी ऑफ एन की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी क्योंकि हमें फंक्शन गिवन है। यदि मैं ओमेगा नोटेशन की बात करूं तो ओमेगा नोटेशन के लिए मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एन इज ग्रेटर इक्वल्स टू सी डॉट जी ऑफ एन, ये मेरे पास फंक्शन है किसका, ओमेगा नोटेशन का। नाउ एक एक वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करके चेक करूं। सबसे पहले मैं वन n की वैल्यू 1 पुट अप करता हूं तो f ऑफ n मेरा क्या हो गया, 1 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 1। c डॉट g ऑफ n की बात करूं, c की वैल्यू कितनी है, 2। 2 डॉट g ऑफ n, g ऑफ n मेरा कितना है, 2 टू द पावर 1, सो 2 टू द पावर 1, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 4। सो इस कंडीशन को यदि मैं देखूं सो क्या मेरा 1 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 4 है, सो कंडीशन इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। नाउ 2 के लिए चेक करूं, इट मे बी कि 2 के लिए मेरा क्वेश्चन ट्रू आ जाए, पॉसिबल है। तो 2 का फैक्टोरियल, यदि 2 के फैक्टोरियल की बात करूं तो 2, यहां पर यदि 2 की बात करूं तो 2 मेरा कांस्टेंट है और g ऑफ n मतलब 2 टू द पावर 2 तो कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। सो यदि कंपैरिजन करूं 2 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 8, अगेन कंडीशन फॉल्स। नाउ 3 के लिए चेक करें हम, 3 के लिए जैसे ही चेक करा 3 का फैक्टोरियल, सो 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6, सो 6 आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 2 टू द पावर n टू द पावर कितना 3, सो कितना हो गया 8 इंटू 2 16, सो 6 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 16, कंडीशन अगेन फॉल्स। तो अभी तक कंडीशन मेरा फॉल्स है, मुझे वो पॉइंट निकालना है जिसपे f ऑफ n मेरा ऑलवेज ग्रेटर हो। नाउ चेक करें 4 के लिए, सो 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करूं मैं, सो 4 का फैक्टोरियल हो गया मेरा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 4 का फैक्टोरियल हो गया 24। अब चेक करें हम 4 का फैक्टोरियल, सो यहां पे आ गया मेरे पास 24, यहां पे आ गया 2 इंटू 2 टू द पावर 2 टू द पावर 4, सो 2 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना हो गया 16 इंटू 2 32, सो 24 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 32, अगेन कंडीशन मेरी हो गई फॉल्स। नाउ अगेन मैं 5 के लिए चेक करूं, मुझे जब तक चेक करना है जब तक कि मुझे n की वैल्यू n नॉट की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू सी डॉट जी ऑफ एन जब तक ना मिल जाए। सो 5 के लिए चेक करें तो 5 का फैक्टोरियल होता है हमारा 120, सो 2 इंटू 2 टू द पावर 5, सो ये हो गया 32 इंटू 2, ये हो गया मेरा 64, सो 120 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 64, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, यस कंडीशन ट्रू। नाउ इस पॉइंट पे मेरी कंडीशन ट्रू हुई, प्रीवियस 4 केसेस में मेरी कंडीशन फॉल्स, इस कंडीशन इस पॉइंट पे मेरी कंडीशन ट्रू। नाउ 6 की बात करें, 6 से हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि इसके बाद में सारी आने वाली वैल्यू मेरी सारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। 6 के फैक्टोरियल की बात करें तो 120 यदि 6 फैक्टोरियल में फाइंड आउट करूं तो 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो यदि इसको कैलकुलेट करूं तो 30 90 इंटू 2, सो 180 और इंटू यहाँ पे सॉरी 4 मिस हो गया था 4, सो 180 इंटू 4, सो ये हो गया 720, तो 6 का फैक्टोरियल कितना निकल गया मेरा 720। यहाँ पे कैलकुलेट करें 2 टू द पावर 6 तो कितना हो गया मेरा 64 इंटू 2 128, सो 720 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 128, कंडीशन इज ट्रू। सो यदि अब मैं कोई भी वैल्यू निकालूं, 7 रखूं, 8 रखूं, 10 रखूं, 100 रखूं, 1000 रखूं, ऑलवेज मेरा n फैक्टोरियल ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू 2 टू द पावर n। सो यदि इस क्वेश्चन की बात करें सो n नॉट मेरा कितना निकल गया, n नॉट इक्वल्स टू 5 मेरे को फाइंड आउट हो गया। सो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ओमेगा नोटेशन के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन asymptotic notations. Thank you.